हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग थ्री एटमॉस्फेरिक लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सर्फेस ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करना है, मतलब नीचे से ऊपर के साइड जाना है। तो सबसे पहले है, देखिए, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर सी, उसके ऊपर है ट्रोपोपॉज। फिर स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ये है ए। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोपॉज, फिर मेजोस्फीयर, मेजोपॉज, थर्मोस्फीयर या थर्मोपॉज। थर्मोस्फीयर यही आयनोस्फीयर है बी, तो सी ए बी होगा। सो द आंसर इज बी। कच्चतीवु आइलैंड लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। किस ओशन में है कच्चतीवु आइलैंड? तो ये है इंडियन ओशन में, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे है कच्चतीवु आइलैंड। और ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट था इस आइलैंड को लेकर, लेकिन 1976 में इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया गया। अब इस पर एडमिनिस्ट्रेशन करता है कौन? श्रीलंका। कोन्स आर द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो कोन्स कहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी हैं? तो ये बिलोंग करती हैं ओडिशा से। ओडिशा ये मतलब हंटिंग और गैदरिंग के लिए जानी जाती हैं, इनका मेन प्रोफेशन यही है। और इनके द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको कहा जाता है कुई एंड कुवी। ओके, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड द स्नोफॉल एंड एवलांचे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन। तो स्नोफॉल और एवलांचे को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को बनाया गया। ये किस हिल स्टेशन पे है? तो ये हिल स्टेशन है आपका पत्नीटॉप। आंसर इज सी। और 2017 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को इनॉग्रेट किया गया। द लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर कॉल्ड करेवास और नोन फॉर। करेवास किसके लिए जाना जाता है? तो ये सैफरन कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। ओके, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारा जो सेवन स्टेट्स हैं इनमें जो टॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से पास होता है? तो ये है त्रिपुरा एंड मिजोरम। This one is Tripura and this one is Mizoram. So the answer is A. वैसे तो topic of cancer 8 Indian states से pass होता है, जो हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। The plant Beda Bahal Ultra Mega Power Project is in which of the following state? तो किस state में है plant बेदा बदल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट? तो ये ओडिशा में है। आंसर है बी, ओडिशा में है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस ऑफ इंडिया इज द होम ऑफ इरावदी डॉल्फिन इन इंडिया। कौन से बीच हैं जो होम है इरावदी डॉल्फिन्स का? तो ये है सतपदा बीच। आंसर इज बी। सतपदा बीच जो है ये है आपका क्या, इरावदी डॉल्फिन्स का आपका वो है होम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस मिक्स्ड फॉर्मिंग। कौन सा है जो क्लियरली मिक्स्ड फॉर्मिंग को डिफाइन करता है? तो ये है ग्रोविंग सेवरल क्रॉप्स आल्सो रियरिंग एनिमल्स। सो द आंसर इज बी। The Diamond Quadrilateral Project is associated with which of the following? Diamond Quadrilateral Project जो है ये किससे associated है? तो ये associated है establishment of high speed rail network. Answer is C. Diamond Quadrilateral Project is associated with establishment of a high speed rail network. और इसको launch किया गया था 2014 में। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। और जो मुंबई अहमदाबाद सेक्शन है ये फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर लोकेटेड है शिमला में। आंसर इज ए। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको
बनाया गया था और इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1977। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, कौन सा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये जो मैसूर सिल्क है ये आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। नागा मिर्च आपको नागालैंड में मिलता है, ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है। कानी शॉल जो है ये जे एंड के में है कॉर्नी शॉल। और तो दार्जिलिंग बासमती ये इसका कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है और क्योंकि दार्जिलिंग टी को मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बासमती को नहीं। सो द आंसर इज डी, नॉट पूछ रहा है ना, तो डी होगा इसका आंसर। विच वॉज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इंडिया का कौन था, तो ये था शिव समुद्रम इन कर्नाटका, आंसर इज डी। ओके, शिव समुद्रम जो है फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का। ओके, और इसको 1902 में इनॉग्रेट किया गया था, कमीशन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री वॉज फॉर्मली नोन एज न्यासालैंड, कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो न्यासालैंड के नाम से जानी जाती है, तो ये है मलावी, आंसर इज बी, यहाँ पे है आपकी मलावी। मलावी इज फॉर्मली नोन एज न्यासालैंड और ये एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ ईस्टर्न अफ्रीका की, और इट हैज़ टोपोग्राफी ऑफ हाई लैंड स्प्लिट बाय द ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली यहीं पे है ना, और एंड ये यहाँ पे लेक मलावे भी है। द डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स एट इक्वेटर इज नियरली इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी किलोमीटर, ये आपका ग्लोब है, ये इक्वेटर है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऐसे खड़ी रेखाएं जो होती हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं, तो पूछ रहा है इसके और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कितने किलोमीटर का है, तो ये होता है 111 किलोमीटर का। विच स्टार इज द कूलेस्ट बेस्ड ऑन कलर, तो ये बताया गया था, इनका नाम था वीन्स, वीन्स वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो इन्होंने दिया था, डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसमें इन्होंने बताया था द कलर ऑफ द स्टार मेजर इट्स टेम्परेचर एंड रेड कलर इज कूलेस्ट एंड ब्लू कलर इज हॉटेस्ट, तो इसमें पूछ रहा है कूलेस्ट, सो द आंसर इज सी, ब्लू होगा हॉटेस्ट, हॉटेस्ट होगा तो ब्लू होगा, कूलेस्ट होगा तो रेड होगा। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइक्लोन एंड इट्स एसोसिएटेड नेम इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है पूछ रहा है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। अटलांटिक में टॉर्नेडो नहीं कहा जाता, अटलांटिक में क्या कहा जाता है, हरिकेन्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें कहा जाता है हरी केन्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। साउथ चाइना सी में टाइफून्स कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, सो द आंसर इज बी। इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर डज ऑल वेदर फिनोमिना टेक प्लेस, सारे वेदर फिनोमिना कहाँ पे होती हैं, तो ये होती है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में, आंसर इज ए ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर और इसकी हाइट होती है 18 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट पोल्स। ओके, और थिकनेस इसकी सबसे ज्यादा होती है इक्वेटर पे। वॉट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर की एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है, तो ये होती है 0.5 to 35 PPT। हाल ही में किस देश के माउंट एबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, रिसेंटली माउंट एबू वॉल्केनो ऑफ विच कंट्री इरप्टेड, तो ये ज्वालामुखी इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।